इंदौर में एक ऐसा भी शिव मंदिर है जहां भक्तों को एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मिलते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंचते हैं। आपको बता दें कि अगर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं तो आप इंदौर के परदेशीपुरा स्थित गेंदेश्वर महादेव मंदिर में आकर एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। आपको बता दें इस मंदिर में इसके साथ साथ ये एक और परंपरा है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन अर्चन करने की परंपरा। इस परंपरा के अनुसार मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन के साथ साथ ही पार्थिव शिवलिंग के पूजन की भी परंपरा है, जहां प्रत्येक दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है और उसके बाद उसका पूजन अर्चन भी किया जाता है। इसके अलावा महादेव के इस मंदिर में सातों दिन भगवान शिव का अलग अलग अनूठा श्रृंगार किया जाता है। कभी महादेव का श्रृंगार मावे से किया जाता है तो कभी महादेव का श्रृंगार सुगंधित पुष्पों से किया जाता है। यही कारण है कि महादेव का यह अद्भुत श्रृंगार भक्तों के मन को मोह लेता है। विशेष रूप से सावन के समय इस मंदिर में सुबह से शाम तक मंदिर में धार्मिक आयोजन अनुष्ठान का क्रम लगातार जारी रहता है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि 7 दिन भगवान शिव का अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। इसके अलावा मंदिर में तांडव आरती की भी परंपरा है। इसके अलावा यह इकलौता मंदिर है जहां भगवान शिव की तांडव आरती की जाती है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ विराजमान हैं। सावन का पावन महीना चल रहा है, क्या कुछ भक्तों की आस्था है और कैसे भक्त पहुंच रहे हैं बताइएगा। देखिए, शिव मंदिर एक शिवधाम मंदिर इंदौर परदेशीपुरा पर विराजमान है जी। ये 20 साल पहले इस मंदिर का निर्माण किया गया था। श्री श्याम सुंदर विजयवर्गीय जी ने अपने पिताजी की स्मृति गेंदालाल जी विजयवर्गीय जी की स्मृति में मंदिर का निर्माण किया गया था। कुछ ही सालों पहले उनका देहांत हो गया है, सभी श्याम सुंदर जी विजयवर्गीय जी का। उनकी इच्छा थी एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया जाए, पर मंदिर कब भव्य रूप ले गया वो उन्हें भी पता नहीं चला। यहाँ उनकी इच्छा थी कि 12 ज्योतिर्लिंग चारों धाम यहाँ विराजमान किए जाए। ऐसा था कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर सकते, किसी भी अभाव के कारण वो दर्शन नहीं कर पा सकते। पर एक शिवधाम मंदिर एक ऐसा मंदिर है कि प्रतिदिन आदमी आके 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकता है, जल कर सकता है, जल चढ़ा सकता है और अभिषेक कर सकता है। यहाँ अन्य देवता भी यहाँ विराजमान है। जिस भगवान के प्रति उसकी भक्ति है उसी प्रकार यहाँ भगवान विराजमान किए गए। चारों धाम भी यहाँ विराजमान किए गए। विशेषता यहाँ पर जैन भगवान श्री नागपड़ा भैरव में विराजमान किए गए। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग जो जिस दिशा में विराजमान है, जो ज्योतिर्लिंग यहाँ पर जैसे विराजमान, जिस कलर का पत्थर है उसी कलर का पत्थर यहाँ विराजमान किया गया, उसी दिशा में भगवान का विराजमान किया गया है। यहाँ विशेषता प्रातःकाल सुबह भगवान भोलेनाथ का विशेष रुद्रा अभिषेक किया जाता है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। इसमें प्रतिदिन 108 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जाता है। यह 12 महीने पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जाता है। इस शिव की बहुत विशेष पूजा होती है। ये परंपरा पंडित जी कितने वर्षों से चली आ रही है? जब से मंदिर का निर्माण हुआ है। अच्छा, सबसे 21 वर्ष से निर्माण जब से हुआ है। हाँ। जब से प्रतिदिन शिवलिंग यहाँ बनाए जा रहे हैं, निर्माण किया जा रहा है, पूजा किया जा रहा है। साथ ही विशेष अद्भुत श्रृंगार भी किया जाता है। वार के अनुसार यहाँ श्रृंगार होता है, जो वार होता है उस हिसाब से शिवलिंग पे वो आकृति दी जाती है। और रात्रि 8 बजे, जिसके बारे में आप सभी लोग जान पाएंगे, आरती के दर्शन कर पाएंगे, जो आरती रात्रि 8 बजे की जाती है, तांडव आरती, वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। उसकी खासियत यह है कि वो 1100 रुद्राक्ष पहनकर की जाती है और एक पेड़ पर 1 घंटे तक वो आरती की जाती है। ऐसा भक्तों का यहाँ कहना कि जब वो आरती की जाती है तो ऐसा लगता है शिवमय पूरा जगत हो गया। ऐसा भक्तों के द्वारा ही वो आरती का नाम रखा गया, तांडव आरती। मेरा भक्तों से अनुरोध है कि वो आरती के दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाए। इस मंदिर की विशेषता खास था पार्थिव पूजा और तांडव आरती है। पंडित जी एक बार नाम बताइएगा। पंडित विश्वजीत शर्मा जी। मुख्य पुजारी